सो गाइस सब्सक्राइब करें बीगस फैशन चैनल में जहां आपको मिलेगा मेंस फैशन स्टाइलिंग ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर ढेर सारा टिप्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन एज इट विल गिव यू इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। हे व्हाट्स अप दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आई जस्ट कांट थैंक यू एनफ एंड सीरियसली बोल रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कभी पूरे होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये चीज़ आपको कहाँ तक लेके जाने वाला है या कहाँ तक लेके जाएगा। एंड मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग खींचना भी नहीं चाहता, इसीलिए शायद मैं कम बोलूँगा। आप मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एक साल लग गए हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी आई एम रियली वेरी हैप्पी। शायद एक साल लगे, शायद दो साल भी लगे होते तो फिर मैं कंटिन्यू करता। एंड आप लोग के लिए भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड अगर आप यूट्यूबिंग करना चाहते हो तो फिर जी जान लगाओ एंड मन से करो। आप कभी बोर नहीं होगे एंड आप कभी निराश नहीं होंगे कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे या नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद मेरे वीडियोज़ में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे 600-1,000, लेकिन मैं ये वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा वो 600 और वो 1,000 लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट कर रहे हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि आपको कौन सा वाला वीडियो देखना है। हेलमेट पहन के भी आप कैसे अपने हेयर स्टाइल को ठीक रख सकते हो, कैसे आप अपने हेयर को स्पा दे सकते हो घर पे ही, एंड कैसे आप इस समर से फाइट कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा वोट आया था हेयर स्पा एट होम के लिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो उसी टॉपिक पर बनने वाला है कि कैसे आप अपने घर पर ही हेयर स्पा कर सकते हो। तो दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बाय ऑयलिंग आवर स्कैल्प। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, आर्गन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैं वाओ का हेयर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हेयर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर सेम डे कर रहे हो तो फिर आप अपने हेयर को ऑयल करो एंड उसके ऊपर स्कैल्प पर थोड़ा सा मसाज कर लो 1 घंटा पहले मेन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले। एंड अगर आप चाहते हो तो फिर आप 1 रात पहले भी ऑयलिंग करके रख सकते हो, तो वो और भी अच्छा होगा। उसके बाद हमें अपने हेयर को स्टीम देना है। आपके पास तो स्टीम मशीन है नहीं, घर पर आप कैसे स्टीम दे सकते हो? एक टावल को वार्म वाटर में भिगो के उस टावल को निचोड़ के आप अपने हेयर्स के ऊपर लगा सकते हो, अपने माथे पर लगा सकते हो, तो वो स्टीम की तरह काम करेगा। मैं आज स्टीम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप स्टीम ले सकते हो अगर आपके वेदर कंडीशंस ठीक हो एंड आप ये वीडियो शायद गर्मी के बाद देख रहे हो, तो फिर आप स्टीम ले सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हमारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे एक अंडा, उसके साथ एक एलोवेरा। एलोवेरा को काट लेंगे एंड एलोवेरा को जो जेल होता है उस जेल के साथ अंडे को हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो जेल आपके पास होगा उस जेल को हमें अपने स्कैल्प पर लगाना है, हेयर पर लगाना है अच्छे से, लाइक सीरियसली अपने पूरे हेयर को कवर करना होगा। आई नो इट्स क्वाइट स्टिकी एंड थोड़ा सा स्मेली एंड थोड़ा सा डिस्गस्टिंग भी होने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एलोवेरा एंड अंडा का कॉम्बिनेशन आपके हेयर्स के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो इसको करने के बाद अपने हेयर्स को 5 मिनट तक स्टे दो ताकि अंडा एंड एलोवेरा सूख कर अपने बालों पर एक पैक बन जाए। उसके बाद आप शैम्पू कर लो। शैम्पू भी मैं आज वाओ का ही हेयर शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। मेरे हेयर्स के लिए सच्ची में बहुत अच्छे से काम करता है, आप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वाओ के शैम्पू नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन द रीज़न बिहाइंड मी यूजिंग वाओ प्रोडक्ट्स इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड जो भी आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो आप प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं वो नहीं होते इसमें, एंड मेरे हेयर्स के लिए अच्छे से काम करते हैं, दैट्स वाई। तो शैम्पू करने के बाद आप 2 बार भी शैम्पू कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो अंडे का स्मेल अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके बालों से तो फिर आप 2 बार भी शैम्पू कर सकते हो। उसके बाद शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनिंग करो 1 मिनट के बाद। कंडीशनिंग करने के बाद आप कंडीशनर 3-4 मिनट तक स्टे दो अपने बालों पर। ज़्यादा मिनट तक भी स्टे मत दे देना, नहीं तो आपके बाल ईजिली खड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा ही गिरते रहेंगे। तो कंडीशनिंग करने के बाद व्हेन योर स्कैल्प इज नाउ कम्प्लीटली फ्रेश, आप टॉवल से अपने स्कैल्प को टैप ड्राई कर लो, घिसना मत गाइस, टैप ड्राई कर लो। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे हेयर रिवाइटलाइजर। तो ये भी वाओ का ही हेयर रिवाइटलाइजर है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक स्प्रे फॉर्म में आता है एंड जस्ट हमें अपने बालों पर, इसको गीले बालों पर ही, ऑलमोस्ट डैम्प्ड हेयर पर ही इस हेयर रिवाइटलाइजर को अप्लाई करना है एंड अप्लाई करके स्टे देना है। अच्छे से अप्लाई करना है, हर कोने पर अप्लाई करना है एंड इसको रखना है काफ़ी टाइम तक। एंड इसके बाद ब्लो ड्राइंग नहीं करना है, कोई हेयर प्रोडक्ट नहीं लगाना है एंड अपने बालों पर एक फ्रेश स्टे देना है ताकि आपके बाल नेचुरली हाइड्रेटेड रहे एंड आपके बाल नेचुरली हेल्दी रहे। तो पूरा ही पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल है। तो गाइज यही तक था आज का वीडियो, ये इतना ही इजी एंड इतना ही सिंपल है। महीने में 1 बार या एटलीस्ट महीने में 2 बार तो आप इजीली कर ही सकते हो एंड आपके हेयर्स पर
बहुत ही अच्छा वाला एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा. आपके हेयर्स पर रीग्रोथ आएगा, आपके हेयर्स फ्रिज फ्री बन जाएंगे, आपके हेयर्स बहुत जाग उठेंगे एंड दे विल बी वेरी वेरी हेल्दी. सो जितना हम लोग बाहर जाते हैं अभी के टाइम में, जितना यूवी रेज है, यूवी वी रेज है जो हमारे हेयर्स को हार्म करते हैं, पोल्यूशन है एंड डस्ट, बहुत सारी चीज मिलकर हमारे हेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं. इसीलिए आप देखोगे कि यंगस्टर्स इतने जल्दी बैल्ड हो रहे हैं, टकले बन जा रहे हैं एंड इट्स नेचुरली ट्रू. सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो टकला होने का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही आपके बालों का केयर लो ताकि आपके बाल फ्रेश रहे एंड हेल्दी रहे. तो बस आज के लिए इतना ही था गाइज, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना. अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो. लेकिन इस वीडियो के लिए, इस हेयर स्पा के लिए नॉट नेसेसरली जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किया वही आपके पास हो और वही आपके पास यूज़ करना है. आप कोई भी अच्छे ब्रांड का हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर रिवाइटलाइजर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एलोवेरा एंड अंडा वाला प्रोसेस तो मस्ट है, उसको करना है, उसको मिस मत करना क्योंकि वही मेन प्रोसेस है. तो एंड सब्सक्राइब करना, आप कमेंट करना नीचे कि आपने कभी सलाम में जाके या कभी भी घर पे स्पा किया है कि नहीं. अगर आपने किया है तो फिर बिग थम्स अप एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मुझे भी शेयर करना. एंड सिंस मैं इतना सारा हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, R&D करता हूँ, इसीलिए मुझे तो हेयर स्पा काफ़ी करना पड़ता है. मैं मैं 3-4 बार भी कर लेता हूँ. सो इसीलिए शायद मेरे हेयर्स अभी भी ठीक है. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड योर सेल्फ. तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो. एंड एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो फिर बेल आइकन को भी दबा लो, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा. एंड 10,000 होने के बाद भी हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूज़ वो 600, 500, 1,000 ही आएंगे. सो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लो एंड प्यार बांटो मेरे से. इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे पोस्ट देता रहता हूँ. सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने आप का केयर लीजिए एंड कीप इट क्लीन.